दिस इज दी फ्रॉम फील द नेचर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि आप लोगों को हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि हमारे बॉन्ज़ाई जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए, क्योंकि एक बॉन्ज़ाई के पीछे फ्रेंड्स 2 से 3 साल आराम से निकल जाती है उसको ठीक करने में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी के ऊपर काम करेंगे कि कैसे हम लोग हमारे बॉन्ज़ाई के ट्रंक को मोटे कर सकते हैं, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, और अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल में जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को बजा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाली है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एक फाइकस रिलीजियोसा की बॉन्ज़ाई। तो आज इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे फ्रेंड्स। एक्सपेरिमेंट बोलना गलत नहीं होगा क्योंकि ये दूसरी बार मैं कर रहा हूँ। तो ये और एक दूसरी प्लांट जो फाइकस रिलीजियोसा की ही है, तो उसको हम लोग कट कर लेंगे फ्रेंड्स पहले ट्रंक के ऊपर से। तो फ्रेंड्स, इसको भी ग्रो कर सकते हैं। अब हम लोगों को फ्रेंड्स इसके साथ इसको टाई करना है, तो चलिए इसको थोड़ी सी शार्प कर लेते हैं। तो पहले तो कट लगा लेते हैं कि कितने दूरी पे हम लोग इसको कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसको एक साइड से जैसे हम लोग ग्राफ्टिंग करने के टाइम काटते हैं वैसे ही हम लोगों को इसको एक साइड से छीलना है। और हमारे जो मदर प्लांट है उसका भी जिस साइड हम लोगों को इसको टाई करना है उस साइड में इसको भी छील देना है फ्रेंड्स। तो चलिए, बार्क निकाल दिया है हम लोगों ने, तो अभी लगा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, ये अभी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है, तो इसको अभी हम लोग एक वायर के मदद से टाइट कर देते हैं ताकि ये अपने जगह पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा वायर काट देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया सेट और हम लोग इसको रूट ओवर रॉक्स के हिसाब से लगाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये भी सेट हो गया है, इसको थोड़ी सी एक रस्सी के मदद से बांध देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए रस्सी ले लेते हैं जूट की और इसको यहाँ अच्छे से बांध देते हैं फ्रेंड्स ताकि ये हिले ना। तो हम लोगों ने बांध दी है, अब इसको बैठा के देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिल करते हैं कुछ ग्रेवल्स सबसे पहले, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी सॉइल फिल करेंगे फ्रेंड्स। सॉइल फिल करने के बाद फ्रेंड्स हमारे बॉन्ज़ाई को बैठा के देख लेते हैं और अच्छे से दबा के बैठाइए ताकि ये हिले ना। तो पहले चूज़ कर लेते फ्रंट, उसके बाद बैठाते हैं। अब अच्छे से पूरी तरीके से सॉइल को फिल कर देना है फ्रेंड्स। तो सॉइल फिल करने के बाद इसको एक स्टिक के मदद से अच्छे से दबा दीजिए फ्रेंड्स ताकि इसके सारे एयर पॉकेट जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद अच्छे से इसको दबा देना है फ्रेंड्स। तो आ जाती है अब वाटरिंग के बारी, तो चलिए थोड़ी सी सावर कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन को भी बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देख लेते हैं इसके फाइनल लुक।